हार्ट फेलियर के ऊपर। इसकी डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, ये इसके बेसिक नो अबाउट्स हैं कि क्यों जानना चाहिए हमें, स्टूडेंट्स को क्या जानना चाहिए, हार्ट फेलियर की डेफिनेशन क्या है, फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है, कार्डियक चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें क्या क्या फर्क पड़ सकता है, फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट का बेसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए इस लेवल के ऊपर भी। अब डेफिनेशन देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। दिस इज ए पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन स्टेट इन विच एबनॉर्मेलिटी ऑफ द कार्डियक फंक्शन रिजल्ट इन इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड एट अ रेट एडिक्वेट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। मतलब हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जितना कि टिश्यू का रिक्वायरमेंट है, यही डेफिनेशन है। और शॉक की क्या डेफिनेशन थी, मिलती जुलती ही थी, इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ द टिश्यूज इज द शॉक कंडीशन। तो फर्क क्या हुआ फिर शॉक और कार्डियक फेलियर में? द डिफरेंस इज दैट अ शॉक इफ इट इज बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन कैन लीड टू कार्डियक फेलियर, एंड इफ इट इज प्राइमरली कार्डियक फेलियर इट कैन ऑल्सो लीड टू द शॉक कंडीशन। तो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं, कार्डियक फेलियर से शॉक में जा सकता है मरीज, और शॉक की वजह से जो विशेष साइकिल डेवलप होती है उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स इज द हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। द डिफेक्ट इन द कार्डियक फेलियर लाइज विद इन द हार्ट, ये मोटी बात है। ठीक है, शॉक में बहुत सारे कारण हो सकते हैं मगर कार्डियक फेलियर में कारण हार्ट में ही मौजूद होते हैं ज्यादातर। और हमने देखा होगा कार्डियक आउटपुट चूंकि प्रॉपर नहीं है इसके अंदर भी, तो कार्डियक आउटपुट के चार रेगुलेटर बताए थे हमने, प्रीलोड, आफ्टरलोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट। चार बेसिक रेगुलेटर हैं कार्डियक आउटपुट के, प्रीलोड, आफ्टरलोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट। हार्ट रेट को हटा दें तो बाकी तीनों फैक्टर मौजूद है, तो डिस्टर्बेंस इन एनी ऑफ द थ्री फैक्टर्स कैन लीड टू द हार्ट फेलियर। यहां मैंने लिख दिया अलग से लाइन लगा दिए, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इंक्रीज प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड। इंक्रीज प्रेशर का मतलब आफ्टरलोड है, वॉल्यूम ओवरलोड का मतलब प्रीलोड है बेसिकली। ठीक है, सो अफेक्टेड थ्री फैक्टर्स आर द रेगुलेटर्स ऑफ द कार्डियक आउटपुट। इनमें प्रॉब्लम होती है तो हार्ट फेल हो सकता है, उसको हम कार्डियक फेलियर कहते हैं। अल्टीमेटली जब मरीज शॉक में भी होता तो कहते हैं क्यों मर गया, आइदर रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियक फेलियर, दो ही मोटे कारण निकल के आते हैं। सो दैट इज लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ। सो यूजुअल फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, हो सकता है, इसको हम फॉरवर्ड फेलियर कहते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल करता है, आगे देखेंगे हम, इफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल देन इट फेल्स टू पंप ब्लड इनटू द जनरल सर्कुलेशन, इसको हम फॉरवर्ड फेलियर कहते हैं। और अगर राइट वेंट्रिकल प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर रहा है, डिफेक्टिव है, तो हम बैकवर्ड फेलियर कहते हैं, पीछे की तरफ उसके इफेक्ट पीछे की तरफ ज्यादा आएंगे। सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द कार्डियक फेलियर, कई तरह से हम देख सकते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। सो कार्डियक फेलियर कैन बी एन एक्यूट फेलियर और ए क्रॉनिक फेलियर। एक्यूट कार्डियक फेलियर कब हो सकता है? देयर इज सडन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सारे इंफार्क्शन केसेस में हार्ट फेलियर नहीं होता, ठीक है, और सारे हार्ट फेलियर केसेस में इंफार्क्शन भी नहीं होता। इफ ए माइनर वेसल इज इन्वॉल्व, इंफार्क्शन कैन बी देयर दैट कॉम्प्रोमाइजेज वेंट्रिकुलर फंक्शन बट इट विल नॉट लीड टू द हार्ट फेलियर। बट इफ इट इज अ मैसिव मायोकार्डियल इंफार्क्शन देन देयर इज अ सडन लॉस ऑफ द वेंट्रिकुलर फंक्शन, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम फॉल्स ट्रेमेंडसली बिलो एंड द हार्ट में फेल एक्यूटली। सो सीवियर वाइड स्प्रेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन और रप्चर ऑफ ए हार्ट वाल, मान लीजिए माइटल वेल्व रप्चर हो गया, माइटल वाल लेफ्ट साइड में होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, ये रप्चर हो गया तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो सारा ब्लड जो है एट्रिया में चला जाएगा, लंग्स में प्रेशर बढ़ाएगा वो,
आगे एओर्टा में का तो वाल्व ही नहीं खुल पाएगा, इतना प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा, ब्लड पीछे की तरफ पुश हो जाएगा. सो डैमेज टू दी वेल्व एक्यूटली कैन ऑल्सो लीड टू दी हार्ट फेलियोर. ये एक्यूट फेलियोर है. क्रॉनिक फेलियोर तो बहुत सारी कंडीशन जो वैल्यूलर डिजीज सारी है, उनमें सब में आपका क्रॉनिक फेलियोर हो सकता है हार्ट का. सो इफ द कंडीशन ऑफ द हार्ट फेलियर डेवलप्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज अ क्रॉनिक हार्ट फेलियर. तो ड्यूरेशन के हिसाब से हमने कहा है कि ये तो एक्यूट हो सकता है और ये क्रॉनिक हो सकता है. सो स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज लीड्स टू द क्रॉनिक हार्ट फेलियर एंड वन ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स इन द पेशेंट विच यू फाइंड इज द ईडिमा इन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. डिपेंडेंट पार्ट का मतलब ये है कि नीचे की तरफ हार्ट की लेवल के नीचे की तरफ अगर ईडिमा होता है तो देन इज मोस्टली इट इज नोन एज पीडल ईडिमा. पीडल मतलब डॉर्सलिस, डॉर्सम पे यहां दिखता है, यहां फील कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं. पीडल ईडिमा और डिपेंडेंट पार्ट में ईडिमा डेवलप होगा कब? जब क्रॉनिक डिजीज होगी. एक्यूट में नहीं दिखेगा वो, एक्यूट में पीडल ईडिमा नहीं आएगा. एक्यूट में अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो तो पल्मोनरी ईडिमा करेगा, हो जाकर क्या वो पीछे की तरफ जाएगा. देन अनदर वे इज लेफ्ट वर्सेज द राइट फेलियर. लेफ्ट वेंट्रिकल अगर फेल होता है देन कंजेशन अकर्स इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन. राइट वेंट्रिकल प्रॉपरली काम कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में सडनली इंफार्क्शन हो गया उसके अंदर और वो ब्लड पंप नहीं कर रहा, तो सारा ब्लड जो लंग्स से आ रहा था वो एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में इकट्ठा होना शुरू होता है और वो प्रेशर बढ़ाएगा लंग्स के सर्कुलेशन के अंदर. बैक प्रेशर कैपिलरीज में बढ़ेगा लंग्स के अंदर और वहां पे फ्लूइड एग्जुडेशन शुरू हो जाएगा, पल्मोनरी ईडिमा क्रिएट हो जाएगा. तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होता है तो रिफ्लेक्ट कहां करेगा? वो लंग्स के अंदर करेगा बेसिकली और फीचर वहां आएंगे. जबकि राइट हार्ट फेलियर होता है तो राइट वेंट्रिकल विल नॉट बी एबल टू पंप इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ाएगा वो. राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ने से सिस्टमिक वीनस प्रेशर बढ़ेगा बॉडी के अंदर एंड इट विल लीड टू द पीडल ईडिमा. वो बैक प्रेशर बढ़ने से लेग्स में ईडिमा आना शुरू हो जाएगा. तो राइट हार्ट फेलियर लीड्स टू जनरलाइज ईडिमा इन द बॉडी व्हाइल द लेफ्ट हार्ट फेलियर लीड्स टू पल्मोनरी ईडिमा. ये दूसरा डिफरेंस आ गया. देन थर्ड वे ऑफ लुकिंग इज द हाई आउटपुट वर्सेज द लो आउटपुट फेलियर हो सकता है. हाई आउटपुट फेलियर पंप्स हार्ट प्लम्प ब्लड एबनॉर्मली लार्ज क्वांटिटीज टू डिलीवर द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन. कब हो सकता है ये? हाइपर डायनेमिक सिचुएशन कब हो सकती है? सीवियर एनीमिया के अंदर जहां आरबीसी तो कम है और प्लाज्मा वॉल्यूम रिलेटिवली ज्यादा हो गया. ब्लड वॉल्यूम टोटल उतना ही हो सकता है मगर प्लाज्मा वॉल्यूम रिलेटिवली बढ़ जाता है आरबीसी का वॉल्यूम कम होने की वजह से. और उसकी वजह से आप क्योंकि देर इज अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड आरबीसी कम होने से, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है देन द टोटल ब्लड टेक्स लेस ऑक्सीजन देन द रिक्वायर्ड टू द टिश्यूज. सो हार्ट रेट हैज टू बी इंक्रीज, मोर ब्लड नीड्स टू बी पंप पर यूनिट टाइम. सो देर इज अ इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट एंड दैट इज हाइपर डायनेमिक सिचुएशन. तो कंटिन्यूअसली एनीमिया मान लो अनकरेक्टेड है कई साल तक चल रहा है तो आपका हार्ट फेलियर कर सकता है वो. हाइपरथायरॉयडिज्म सेम थिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू मेटाबॉलिज्म इज ग्रेटली इंक्रीज सो हार्ट हैज टू पंप कंटिन्यूअसली लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड. अगेन इट इज अ हाइपर डायनेमिक सिचुएशन, कैन लीड टू द हार्ट फेलियर क्रॉनिकली. एक्यूट में कुछ नहीं होगा, क्रॉनिकली. बेरी बेरी विटामिन डेफिशियंसी है, ठीक है ना, उसकी वजह से सारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, वो भी हाइपर डायनेमिक सिचुएशन है. आर्टेरियोवेनस फिस्टुला पेरिफेरीज में जब डेवलप हो जाती है तो उसमें आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड. एंड पेजेट डिजीज को छोड़ दें, बोन की डिजीज चाहिए. देन लो आउटपुट फेलियर, फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप द ब्लड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो भी कोई कारण घटाएगा वो आपका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाने देगा पूरा और वो आपका कार्डियक आउटपुट को घटा देगा. दैट इज लो आउटपुट फेलियर. और ये हम बात कर चुके हैं. अनदर वे इज द फॉरवर्ड वर्सेज द बैकवर्ड फेलियर. हो गया ये? इज इट ओके? बैकवर्ड हार्ट फेलियर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इन द एट्रियम एंड वीनस कंपार्टमेंट बिहाइंड द फील्ड वेंट्रिकल राइजेस. सो फॉर बैकवर्ड फेलियर कौन सा हुआ? राइट साइड का फेलियर. अगर राइट वेंट्रिकल फेल होता है दैट विल बी नोन एज द बैकवर्ड फेलियर. पीछे की तरफ बढ़ाएगा और वीनस प्रेशर बढ़ेगा और ईडिमा हो जाएगा. जबकि फॉरवर्ड फेलियर कौन सा होगा?
लेफ्ट वेंट्रिकल का होगा, जबकि ब्लड इजेक्ट नहीं हो पाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, एंड द पेशेंट विल गो इन टू द हार्ट फेलियर. सो इन द फॉरवर्ड फेलियर, इनएबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल टू पंप ब्लड कॉजेस टिश्यू हाइपोक्सिया दैट इंक्रीजेस रेनिन सेक्रेशन एंड इट मे कॉज, इट विल कॉज वाटर रिटेंशन डेफिनेटली. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, पानी एब्जॉर्ब होगा, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रांसलोकेट होगा, टिश्यू के अंदर जाएगा और आपके इडिमा क्रिएट करेगा. तो माइंड इट, बट इन केस ऑफ द बैकवर्ड फेलियर, इडिमा इज अ प्रोमिनेंट साइन इन द पेशेंट. इडिमा मिलेगा आपको अगर राइट साइड या बैकवर्ड फेलियर है तो, मगर लेफ्ट साइड फेलियर है तो लॉन्ग टर्म में जाकर के इडिमा डेवलप हो सकता है, इमीडिएटली नहीं होगा किसी भी हालत के अंदर. इडिमा इज नॉट ए फीचर ऑफ द फॉरवर्ड फेलियर. देन अनदर वे ऑफ लुकिंग इज सिस्टोलिक वर्सेज द डायस्टोलिक फेलियर. ये इंपॉर्टेंट फीचर है. सिस्टोलिक हार्ट फेलियर अकर्स ड्यू टू द सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, अमाउंट इज नॉट गेटिंग इजेक्टेड, स्ट्रोक वॉल्यूम फॉल्स, कार्डिक आउटपुट फॉल्स एंड द हार्ट ग्रेजुअली फेल्स. बट द डायस्टोलिक फेलियर अकर्स बिकॉज ऑफ अदर रीजन. डायस्टोलिक फेलियर का मतलब यह है द ड्यूरिंग डायस्टॉल द वेंट्रिकल मस्ट रिलैक्स टू अकोमोडेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द ब्लड कमिंग फ्रॉम द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए राइट वेंट्रिकल को रिलैक्स करना चाहिए, इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल को भी रिलैक्स करना चाहिए. बट बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशन, इफ द लेफ्ट वेंट्रिकल और द राइट वेंट्रिकल फेल्स टू रिलैक्स प्रॉपरली ड्यूरिंग द डायस्टॉल, इट रिमेन्स पार्टली कॉन्ट्रैक्टेड, देन इट विल अकोमोडेट लेस क्वांटिटी ऑफ द ब्लड and over a period of time that will go on decreasing the cardiac output, stroke volume and the cardiac output. So that is known as diastolic dysfunction. Diastolic dysfunction is seen in many cases of the myocardial infarction or ischemia or otherwise because of the long term delayed function. Mujhe bhi hai thoda sa. Okay. Then another feature which can lead to diastolic dysfunction is restrictive disorder. Matlab agar pericardial cavity mein फ्लूइड इकट्ठा हो जाए थोड़ा बहुत भी तो आपके डायस्टॉल के दौरान वेंट्रिकल को रिलैक्स होने से रोकेगा, उसको नहीं फैलने देगा, ब्लड कम आएगा तो कम निकलेगा, कार्डिक आउटपुट घट जाएगा एंड ग्रेजुअली द हार्ट विल गो इनटू द फेलियर कंडीशन. सो व्हेन द वेंट्रिकल फेल्स टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड डायस्टॉलिक वॉल्यूम एंड देयरफॉर द कार्डिक आउटपुट डिक्रीजेस. सो दैट इज द सिस्टोलिक वर्सेस द डायस्टॉलिक फेलियर. These were the different types of the heart failure we have seen or are seen in the clinical condition. Cardiac changes in the heart failure. Do major cheeze hum dekhenge, contractility alag cheeze hai. Magar jo baki do cheeze kaun si bachi, preload ya keh sakte hain volume overload to kya hai aur pressure overload kya hai. Preload kya hai, afterload kya hai, ye agar long term mein disturb hote hain तो ये आपके कार्डियक फेलियर कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट रिलीफ तो है ही आपके साथ में. सो वी सी सम फीचर्स ऑफ द फेलियर. प्रेशर ओवरलोड का मतलब है देयर इज अ इंक्रीज्ड प्रेशर वेयर द प्रेशर इंक्रीजेस. प्रेशर कहां बढ़ता है जो दिक्कत कर सकता है कार्डियक आउटपुट में डायरेक्टली, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर रादर, और डायरेक्टली कहें एओर्टिक प्रेशर. एओर्टिक प्रेशर इज द मेजर फैक्टर टू विच द हार्ट हैज टू फेस व्हाइल स्टार्टिंग द पंपिंग एक्टिविटी. उसी को तो फेस करेगा, वही तो रेजिस्टेंस सामने पड़ रहा है. वाल खुलते ही जो प्रेशर सामने आ रहा है उसके अगेंस्ट में उसको फोर्स डेवलप करना पड़ रहा है कॉन्ट्रेक्शन के लिए. सो दैट इज द प्रेशर ओवरलोड. सो इन द प्रेशर ओवरलोड देयर इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर which increases the afterload and heart has to pump blood against the increased resistance. Do stages hai iski, early stage ho sakti hai, late stage ho sakti hai. In the early stage afterload the functional capacity of the ventricle is such situation depends on the stress exerted on the ventricle. And second is the stage of compensation and then the hypertrophy. Ab ye teeno cheeze humne yahan dikhayi hai. All the three conditions of the heart failure are shown here
इफ द आफ्टर लोड इज इंक्रीजिंग, मतलब अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बड़ा रहता है हाइपरटेंसिव पेशेंट, देन इट कैन ग्रेजुअली लीड टू द हार्ट फेलियर। द मैकेनिज्म यू कैन सी हियर, नॉर्मली हम यहाँ पे किस, ये कौन सा लॉ की बात कर रहे हैं, ये इट इज लैपलास लॉ। ओके, वॉल स्ट्रेस, वेंट्रिकल्स की वॉल पे जो स्ट्रेस पड़ रही है कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, दैट इज इक्वल टू पी, पी इज द प्रेशर, आर इज द रेडियस ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड टी इज द टेंशन। ठीक है, इन अर्ली स्टेज स्ट्रेस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, ये पहला पॉइंट आ गया, प्रेशर बढ़ा दिया तो ये स्ट्रेस बढ़ गई वेंट्रिकल्स के ऊपर। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है। देन सेकेंड स्टेज इज ऑफ कॉन्सेंट्रेट हाइपरट्रोफी, क्योंकि अब आफ्टर लोड लगातार बढ़ रहा है तो मसल को लगातार महीनों तक बरसों तक ज्यादा काम करना पड़ रहा है, सो देयर इज अ हाइपरट्रोफी, मसल्स एनलार्ज होना शुरू होती है फोर्स बढ़ाने के लिए, सो हाइपरट्रोफी इज देयर। एंड इन इंक्रीज इन द आफ्टर लोड देयर इज अ कंसेंट्रिक टाइप ऑफ द हाइपरट्रोफी, मतलब चारों तरफ से मसल की हाइपरट्रोफी हो रही है, देयर इज अ कंसेंट्रिक टाइप ऑफ द हाइपरट्रोफी, सो वॉल थिकनेस इज इंक्रीजिंग। सो इन सेकेंड फार्मूला यू सी इंक्रीज इन द प्रेशर इज देयर, वॉल थिकनेस टेंशन इज राइजिंग ट्रेमेंडसली, बट आर इज डिक्रीजिंग, रेडियस अंदर का कम हो गया और ये ज्यादा बढ़ गया तो स्ट्रेस वापस नॉर्मल आ गई, स्ट्रेस वापस नॉर्मल आ गई, आपका आउटपुट नॉर्मल हो गया। आगे जब लगातार सिचुएशन चलती है देन वॉट हैपन, द प्रेशर इज इंक्रीजिंग ऑफ कोर्स, देर इज अ डिक्रीज इन दी, ये क्या कर दिया, थिकनेस इज इंक्रीजिंग, ये सही है क्या, इंक्रीज प्रेशर ऑफ कोर्स, रेडियस इज डिक्रीजिंग, हाउ द रेडियस इज डिक्रीजिंग, ये रेडियस डिक्रीज हो रहा है वॉल थिकनेस का, ये वाला, एंड देन इंक्रीज इन द टेंशन इज देयर, सो दैट इज स्टेज ऑफ हाइपरट्रोफी एंड डायलेटेशन। एक्चुअली इसको ज्यादा जरूरत नहीं है, वेंट्रिकल ग्रेजुअली आर डायलेटिंग, तो वॉल की थिकनेस कम हो गई मगर वेंट्रिकल का डायमीटर बढ़ गया, तो ये प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करता है एंड इट ट्राई टू रेस्टोर द कार्डियक आउटपुट। सेकेंड पार्ट इज द वॉल्यूम ओवरलोड, ये प्रेशर ओवरलोड था, आफ्टर लोड की बात कर रहे थे, अब आते हैं वॉल्यूम ओवरलोड, मतलब प्री लोड की बात करेंगे हम। प्री लोड इज डिटरमाइंड बाय द वीनस रिटर्न टू द हार्ट, नॉर्मल वीनस रिटर्न कितना होता है, नॉर्मल वीनस रिटर्न कितना होता है, बोलो, नहीं, चलिए कोई बात नहीं, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, शानदार जवाब है। और जब 5 लीटर निकला तो 5 लीटर आना भी तो चाहिए ना एक मिनट में, नहीं, जितना आएगा उतना ही तो बाहर निकलेगा, हार्ट को रोक के थोड़ी बैठ जाएगा उस वॉल्यूम को अंदर, तो वीनस रिटर्न का मतलब कितना ब्लड रिटर्न हो रहा है एक मिनट के अंदर हार्ट में, उसको हम वीनस रिटर्न कहते हैं, तो वो जितना आएगा उतना का उतना इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर बाहर निकलेगा, तो नॉर्मली कार्डियक आउटपुट इज सेम एज दी वीनस रिटर्न, दोनों का वैल्यू बराबर होता है और डेफिनेशन भी एक ही है, एक बाहर फेंक रहा है दूसरा अंदर आ रहा है, इतना ही फर्क है। सो वीनस रिटर्न इज सेम एज दी कार्डियक आउटपुट, वॉल्यूम उतना का उतना ही रहेगा, डेफिनेशन अलग है कि वो वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है और ये वेंट्रिकल में आ रहा है। ठीक है, दो दो चार जोड़ना भी नहीं आता अभी तक, अच्छी बात। सो इन द वॉल्यूम ओवरलोड इंक्रीज वीनस रिटर्न इज देयर, डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस, डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस वेयर, वेयर, यहां लिख तो दिया, ये मैंने किताब से लिया, मैंने नहीं बनाया, ये यूं का यूं उतार लाया हूं मैं किताब से। तो अब ये डायस्टोलिक प्रेशर इसने लिख दिया किताब वाले ने, कहां बढ़ा ये डायस्टोलिक प्रेशर, कह रहे हैं डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस एंड दिस कॉज, दिस कॉजेज चैम्बर एनलार्जमेंट, डेफिनेटली दैट मेनली कॉजेज एक्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी, एक तरफ की हाइपरट्रोफी होती है, पूरा वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी नहीं होता, मगर डायस्टोलिक प्रेशर कहां का, ब्लड वेसल्स का, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, पल्मोनरी सर्कुलेशन का, राइट वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर का, कहां का प्रेशर है ये, राइट वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर है डायस्टोलिक, क्यों वहां जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो
तो नॉर्मली भी प्रेशर 0 मिलीमीटर या ये 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर तक जा सकता है वो मरकरी का, और ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो 6-7-8 मिलीमीटर तक चला जाएगा। तो देर इज अ इंक्रीज इन द डायस्टोलिक प्रेशर विद इन द कार्डियक चैम्बर, विद इन द कार्डियक चैम्बर मेनली ऑन द राइट साइड, जो ब्लड उधर ही आ रहा है पहले, राइट लेफ्ट में बाद में जाएगा। सो अर्ली स्टेज स्टेज ऑफ द डायलिटेशन इज देयर, वॉल स्ट्रेस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द वेंट्रिकुलर चैम्बर, ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो वो आपका डायलेट कर देगा उसको। देन स्टेज ऑफ द एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी इज देयर, सब्सिक्वेंटली वॉल स्ट्रेस इज नॉर्मलाइज्ड, वही लैपलास लॉ ऑपरेट करता है इसके अंदर। एंड स्टेज ऑफ फर्दर डायलिटेशन इज देयर, और इन सबको वापस उसी डायग्राम से दिखा दिया है, उसी तरह का डायग्राम है, सिर्फ वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है। दिस इज नॉर्मल सिचुएशन, एनलार्जमेंट इज देयर, डायलिटेशन इज देयर, यहाँ कम हुआ वॉल थिकनेस थोड़ी बढ़ गई और वापस जो है चैम्बर भी डायलेट हो गया और वॉल थिकनेस भी बढ़ी रह गई। सो देयर इज अ कॉम्पेंसेशन, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अगर यह सिचुएशन चलती है इट विल लीड टू द कार्डियक फेल्यूर। तो वॉल्यूम ओवरलोड एंड प्रेशर ओवरलोड आर द टू मेजर कॉजेस ऑफ द हार्ट फेल्योर, अलॉन्ग विद डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टिलिटी फेल होना, कि अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ज्यादा अफेक्ट करेगा। इंफार्क्शन कैन अफेक्ट एंड कैन कॉज सडन डेथ आफ्टर सम ईयर्स बिकॉज ऑफ व्हाट, पेशेंट हैज लेफ्ट वेंट्रिकल एंटीरियर वॉल इंफार्क्शन इज देयर, पेशेंट हैज सर्वाइव्ड, इज ओके, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, पता लगता सडनली ही इज गॉन, व्हाई, व्हाट हैपन्ड, व्हाट कैन हैपन। यू सी व्हेन द मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज देयर द पार्ट ऑफ द कार्डियक मसल इज डेड, डेड हो गई, कार्डियक टिश्यू डेड हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, ठीक है। आफ्टर बींग नॉन फंक्शनल दैट कार्डियक मसल ग्रेजुअली एट्रोफीज एंड इज बींग रिप्लेस्ड बाई द इलास्टिक टिश्यू, कॉलेजन फाइबर्स रिप्लेस हो जाते हैं। ये हीलिंग प्रोसेस है बॉडी की, जहां भी आप नॉर्मल टिश्यू को हटाएंगे कॉलेजन फाइबर आ जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट डेवलप हो जाएंगे वहां पे और उसको रिपेयर कर देंगे। तो रिपेयर प्रोसेस इज देयर, रिपेयर हो गई है, वॉल नॉर्मल सी हो गई है रिपेयर होकर के। मगर अब जब कार्डिक डायनेमिक्स पे आप ध्यान देंगे तो व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट को तो सारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वो आपके डायमीटर को घटा रही है वेंट्रिकल की और ब्लड इजेक्ट हो रहा है। मगर चूंकि इलास्टिक टिश्यू जहां आया है वो मसल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो जब वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो वो हिस्सा बजाय दबने के वो फूलना शुरू हो जाएगा गुब्बारे की तरह, विल स्टार्ट बल्जिंग आउट इंस्टेड ऑफ गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी मगर टिश्यू जो है आपका इलास्टिक टिश्यू वो बल्ज करना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे स्लोली दैट एरिया मे डेवलप इन टू द एन्यूरिज्म ऑफ द हार्ट, एनलार्जमेंट होगा वहां पे, एन्यूरिज्म बल्ब करना शुरू कर देगा और सडनली ऐसा प्रेशर एक ज्यादा डेवलप हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा, वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ा, वो हिस्सा फट गया गुब्बारे की तरह। आपने देखा होगा कई बार गुब्बारों में कुछ ऐसी जगह होती है पतली सी, नॉर्मल गुब्बारे में चारों तरफ बराबर थिकनेस होती है मगर कई गुब्बारे डिफेक्टिव होते हैं अगर ध्यान से देखो तो उसमें कई जगह ऐसी होती है जहां पर रबर पतला होता है और आप जब फुलाते हो तो बाकी गुब्बारा पूरा वो फट से फूट जाता है, वो दैट हैपेंस इन द डैमेज टू द हार्ट मसल, एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है और वो सडन रप्चर कर सकता है। सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द हार्ट फेल्योर, सबसे पहला जो नजर आएगा मरीज कंप्लेंट करेगा डिस्निया होगा उसको, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम डिस्निया दो तरह का होता है, रेस्पिरेशन अगर पढ़ा दिया हो तो बता दिया होगा उसमें, रेस्पिरेटरी डिस्निया कैन बी देयर एंड कार्डियक डिस्निया कैन बी देयर, दोनों मोटे कारण है, दोनों के अलग अलग कारण है डिस्निया के, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिस्निया। डिस्निया अकर्स बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली, दैट प्रोड्यूसेस द टिश्यू हाइपोक्सिया। सो हार्ट फेल्योर अर्ली स्टेज डिस्निया का ड्यूरिंग द due to failure of the left ventricle output and to meet the oxygen demand during exercise. Advanced stage के अंदर dyspnea orthopnea के रूप में सामने आ सकता है। Orthopnea means
लिखा है जगह यहां पे नीचे आ रहा है, डिस्निया एट रेस्ट, भाई हार्ट का मरीज है, हार्ट फेलियर में जा रहा है, ठीक है, मगर वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है या अगेंस्ट ग्रेविटी सीढ़ियां चल रहा है तो उसके सांस बढ़ना शुरू हो जाती है, बैठ जाएगा, रेस्ट पे कुछ नहीं होगा उसको, मगर जब हार्ट फेलियर की कंडीशन एडवांस होती है देन द पेशेंट मे बी डिस्निक एट रेस्ट ऑल्सो, कुछ नहीं कर रहा फिर भी डिस्निया हो गया उसके, सांस फूलने लग गई, ऐसा मरीज के सांस अगर लेटा हुआ है तो ज्यादा फूलती है, उसको बिठा दो तो उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। सो ऑर्थोपनिया डिस्निया एट रेस्ट कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग द पेशेंट सिट और टू स्टैंड अप, ऐसा क्यों, बिकॉज व्हेन द पर्सन इज लाइंग डाउन द लीवर इज प्रेसिंग फ्रॉम द लोअर साइड ओवर द डायफ्राम, पहली बात। दूसरी बात, लाई डाउन कंडीशन में सर्कुलेशन लंग्स में ज्यादा बढ़ जाता है बजाय खड़े होने के, जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो लंग्स प्रोफ्यूजली सप्लाई होंगे ब्लड से और उसकी वजह से लंग्स में धीरे धीरे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बेसिस में ब्लड ज्यादा फ्लो होगा, एल्वियोलाई में उतना एयर नहीं जा रहा, एल्वियोलाई कम पड़ गया होगा, मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अलग अलग जोन के अंदर। सो इफ द पेशेंट इज लाइंग डाउन देन मोर ब्लड इज देयर इनटू द पल्मोनरी टिश्यू, लेस स्पेस इज लेफ्ट, डायफ्राम पैसेस फ्रॉम द लोअर साइड, सो पर्सन बिकम डिस्निक बिकॉज ऑफ दैट। और ऐसे मरीज को अगर आप खड़ा कर देंगे या बिठा देंगे तो ये नीचे चला जाता है, सर्कुलेशन थोड़ा ठीक हो जाता है और सांस आराम से आनी शुरू हो जाती है, दैट इज द डिस्निया एट रेस्ट और ऑर्थोपनिया। द डिस्निया कैन मैनिफेस्ट इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो, दैट इज नोन एज पैरोक्सिस्मल नॉक्ट्यूर्नल डिस्निया, नॉक्ट्यूर्नल मतलब रात में सोते वक्त होता है उसको हम नॉक्ट्यूर्नल कहते हैं, पैरोक्सिस्मल मतलब देर आर एपिसोड्स, लगातार नहीं होता, अचानक एपिसोड हुआ, सांस घबराहट मरीज को हुई, नींद खुल गई और सांस ज्यादा ज्यादा चलने लग गया, बैठा तो नॉर्मल आ गया, ठीक है, अचानक आया और अपने आप ही खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, घंटे भर बाद में फिर वही एपिसोड अटैक आ गए या दूसरे दिन आ गए या हफ्ते भर बाद आ गए, मगर आते सडनली और अपने आप बंद हो जाते हैं, ऐसी कोई फिनोमिना अगर होती है तो उसको कहते हैं पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर, दे आर पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर। और ये पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया मे बी वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द एडवांस्ड कार्डियक फेलियर। मेन कॉज इज द पल्मोनरी वैस्कुलर कंजेशन विच इज रिमूव्ड और डिक्रीज ड्यूरिंग द अपराइट पोस्चर, लेटे में ज्यादा हो जाएगा, बैठाने पे कम हो जाता है रिलेटिव, that is the paroxysmal nocturnal dyspnea. Of course, another feature is the fatigueness, weakness and exercise intolerance. जरा सा आप चलना फिरना होता है, सब पहले मैं 4 किलोमीटर घूम जाता था जैसे डॉक्टर बताते हैं, अब तो 1 किलोमीटर चलता हूं तो सांस बढ़ने लग जाता है, मसल में दर्द होने लग जाता है, दैट इज वीकनेस एंड फटीगनेस, दैट इज अनदर फीचर दैट पेशेंट इज गोइंग इन टू द कार्डियक फेलियर। देन इडिमा इन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ कोर्स इज very important clinical feature of the congestive heart failure. When the term congestive heart failure is used, we always refer to the right heart failure. Congestive heart failure is failure of the right ventricle to pump blood into the pulmonary circulation. Because of that inability of the right ventricle, the pressure in the right atrium rises. When the pressure in the right atrium rises, other features which are coming will be there. So right atrium mein jab pressure badhta hai, then there is an increased pressure on the venous side. Kyunki veins mein jo badi veins hai aur idhar ki taraf unme valve system nahi hota. So right atrium pressure when it increases, the pressure is reflected on the venous side of the body or circulation. Because of that, there is a rise in the central venous pressure. ये जो वेन्स नॉर्मली खड़े हुए में बैठे हुए में खाली होनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए भरी हुई बिल्कुल भी, ये वेन्स भरी हुई दिखनी शुरू हो जाती है और पेशेंट को अगर 45 डिग्री पे आप लिटा दें थोड़ा, तो अगर ये यहां से 1 सेंटीमीटर ऊपर भरी दिखनी चाहिए, अगर ये 2-3-4 सेंटीमीटर भरी हुई है, इसका मतलब राइट एट्रियल प्रेशर रेज्ड है, हम कहेंगे जुगलर वीनस प्रेशर रेज्ड है, वीक हम कहेंगे सेंट्रल वीनस प्रेशर इज एलिवेटेड। So another feature of the right heart failure is
increase in the central venous pressure, which will be reflected as filling of the neck veins in the semi-reclining posture. 45 degree पे हम करेंगे. अभी हार्ट के एक्सपेरिमेंट करनी है क्या आपने? सीबीएस एग्जामिनेशन क्लिनिकल, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कर लिया है? उसमें करवाएंगे तुमको, दिखाएंगे लेट करके कैसे होता है ये. आओ यू ऑब्जर्व इट. ठीक है. सो सेंट्रल वीनस प्रेशर इज रेज, व्हेन द सेंट्रल वीनस प्रेशर इज रेज देन एज आई सेड रिफ्लेक्टेड बैकवर्ड. तो वीनस प्रेशर बॉडी में नीचे की तरफ बढ़ता है. हमने कहा था वीनस साइड में कैपिलरीज के प्री पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर नहीं होता. देयर इज नो पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर इन द कैपिलरीज. सो इंक्रीज इन द वीनस प्रेशर विल बी रिफ्लेक्टेड एज इंक्रीज इन द कैपिलरी प्रेशर थ्रू आउट द बॉडी इन द लोअर पार्ट मेनली, एंड दैट विल कॉज मोर फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड एंड विल रिजल्ट इन टू द ईडिमा. तो डिपेंडेंट पार्ट में ईडिमा होगा, उसका सबसे बड़ा कारण है वीनस प्रेशर का बढ़ना इन द राइट हार्ट फेलियर और कंजस्टिव हार्ट फेलियर. थर्डली, इंफीरियर वेना केवा इज अ पार्ट ऑफ द वीनस सिस्टम बिलो द बॉडी. हिपेटिक वेन ड्रेन्स इन टू इट डायरेक्टली. सो इफ द प्रेशर इन द इंफीरियर वेना केवा इज राइजिंग, प्रेशर इन द हिपेटिक वेन ऑल्सो राइजेस, एंड दैट कॉजेज राइज इन द प्रेशर इन द हिपेटिक साइनसॉइड्स लीवर में. लिवर एनलार्जमेंट इज देयर, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. लिवर बढ़ गया, लिवर बढ़ा हुआ आएगा, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर इज देयर. थर्डली, बिकॉज द इंफीरियर वीनस प्रेशर इज इंक्रीजिंग, बिकॉज द हिपेटिक वीनस प्रेशर इज इंक्रीजिंग, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रेशर इन द एंटरिक सर्कुलेशन ऑल्सो. इंटरसन के पोर्टल सर्कुलेशन में भी बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे. और जब पोर्टल सर्कुलेशन में प्रेशर बढ़ेगा तो आपके एब्डोमेन में भी फ्लूइड एग्जुटेशन शुरू हो जाएगा, वहां भी कैपिलरी से फ्लूइड लीक होगा, एंड देयर विल बी कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी विच वी कॉल एज असाइटिस. सो असाइटिस इज अगेन अ फीचर ऑफ द कंजस्टिव हार्ट फेलियर. पीडल इडिमा इज अ फीचर ऑफ द कंजस्टिव हार्ट फेलियर. ओके, लंग्स में कुछ नहीं हुआ अभी तक. डिस्निया इज अ फीचर ऑफ द कंजस्टिव हार्ट फेलियर. ओके, और अगर मरीज लेटा हुआ है तो ये ईडिमा कहां दिखेगा? यहां पे सैक्रल ईडिमा हो जाएगा, नीचे की तरफ सैक्रल ईडिमा विल बी देयर. ये देन दीज पार्ट विल बी डिपेंडेंट पार्ट. यहां पे फ्लूइड इकट्ठा होना ज्यादा शुरू हो जाएगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये जो बॉडी बैठ गया कॉन्टेक्ट में, खड़ा कर दोगे तो वो ईडिमा नीचे की तरफ ज्यादा चला जाएगा. तो डिपेंडेंट पार्ट में ईडिमा होगा, ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, साइन है. ये आपका तरीका देखिए, ईडिमा कितना शानदार दिख रहा है इस पेशेंट के अंदर. कहां देखते हैं? मीडियल मेलियोस के ऊपर, मीडियल मेलियोलस, पता है ना? हाँ, एनाटॉमी अच्छी तरह याद है. तो वहां पे अगर आप प्रेस करेंगे अंगूठे से तो वहां खड्डा पड़ जाता है, इसको कहते हैं पिटिंग ईडिमा. दिस इज नोन पिटिंग ईडिमा. दबाव से पिट पड़ रहा है, खड्डा पड़ रहा है, पिटिंग ईडिमा होता है. नॉन पिटिंग ईडिमा कब होगा? ईडिमा है, दबाव पड़ने से खड्डा नहीं पड़ रहा, दैट इज नॉन पिटिंग ईडिमा. कब होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म, व्हेन द बॉडी इज स्वॉलन बट इट इज नॉट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री वाटर, इट इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द मिक्सीमेटस टिश्यू. उसमें वाटर फ्री नहीं होता मगर वो ईडिमा क्रिएट करता है. चूंकि वाटर फ्री नहीं होता इसलिए दबाने से डिस्प्लेस भी नहीं होता वो, और डिस्प्लेस नहीं होता तो खड्डा भी नहीं पड़ता. सो मिक्सीडिमा इज ए नॉन पिटिंग ईडिमा. हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयड का फंक्शन कम होता है. सो दिस इज पीडल ईडिमा और पीडिमा ईडिमा इन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हिपेटोमेगाली का कारण बता दिया, जुगलर वीनस प्रेशर बढ़ गया, असाइटिस हो गई. ये आपका वीनस वेन्स देखने का तरीका है. ये देखिए वेन, वेन इज फिल्ड, इट मीन्स द सेंट्रल वीनस प्रेशर इज इंक्रीज. इसका मतलब यह है कि राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात है. और अगर राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ा हो तो पूरी बॉडी में नीचे वीनस प्रेशर भी बढ़ेगा और ईडिमा क्रिएट करेगा. दैट इज हाउ वी लुक फॉर द नेक वेन. मरीज को बिस्तर पे इतना लिटा करके फिर यहां ऑब्जर्व करते हैं वेन्स कितनी भरी हुई दिख रही है. ऑब्जर्वेशन नेक वेन्स.
तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए हार्ट फेलियर का? रेस्ट, रेस्ट का मतलब है कि मरीज लेटा ही रहे, मगर रेस्ट डिस्निया को प्रिवेंट करने के लिए, कम करने के लिए रेस्ट जरूरी है। दूसरा मेजर है साल्ट रेस्ट्रिक्शन। साल्ट रेस्ट्रिक्शन से दो फायदे होंगे, पहला वाटर रिटेंशन नहीं होगा, ठीक है, वाटर रिटेंशन नहीं होगा, और दूसरा किडनी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेगा। सो साल्ट रेस्ट्रिक्शन इज अ मस्ट। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा आपका, इट विल कंट्रोल द ब्लड प्रेशर ऑल्सो। इफ यू रिमेंबर द सॉल्ट एंड वाटर इनटेक एंड सॉल्ट एंड वाटर आउटपुट बाय द किडनी, जो कर्व हमने देखा था ना, वो इस यहां पे काम करेगा। देन थर्ड यू टू इंप्रूव द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम। डिजिटलिस हमारे जमाने से काम में आ रही है ये, अब तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई हैं, मगर इसको भी अभी काम में लेते हैं। ये प्लांट का डेरिवेटिव है, फॉक्स ग्लो एक प्लांट है शायद, इसमें हो सकता है डायग्राम आया हो, नहीं है, हाँ अभी नहीं। सो डिजिटलिस इज एन इनिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, ध्यान दीजिएगा, सोडियम पोटेशियम पंप का इनिबिटर है डिजिटलिस, और उसकी वजह से सोडियम एक्यूमुलेट होता है और वो कैल्शियम को अंदर रोकता है बाहर भेजने की बजाय, या कैल्शियम को अंदर लाता है। सोडियम कैल्शियम पंप ऑपरेट, अगर सोडियम अंदर ज्यादा है, सोडियम पोटेशियम पंप ब्लॉक करने का क्या मतलब निकलेगा, अंदर सेल में सोडियम बढ़ जाएगा, बाहर सोडियम कम रहेगा, यही मतलब है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। तीन सोडियम बाहर जाना, दो पोटेशियम अंदर आना, तीन सोडियम बाहर नहीं जा रहे, अब सोडियम अंदर स्टे कर रहा है, इट मीन मोर सोडियम इज अवेलेबल टू एक्सचेंज फॉर द सोडियम कैल्शियम पंप। तो सोडियम कैल्शियम पंप काम करेगा तो कैल्शियम बाहर से अंदर ज्यादा आएगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा। सो इट हैज गॉट अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट डिजिटलिस बाय ब्लॉकिंग द सोडियम पोटेशियम पंप, इज एन इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द कंजस्टिव हार्ट फेलियर, फॉर कंजस्टिव हार्ट फेलियर मेनली। देन बिकॉज द फ्लूइड एक्युमुलेशन इज देयर, ईडिमा इज देयर इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट, चाहे वो पल्मोनरी ईडिमा हो, इसमें तो इमीडिएटली आपको देना पड़ेगा इंजेक्शन के रूप में, और अगर डिपेंडेंट पार्ट्स में ईडिमा है देन डायोरेटिक्स आर हेल्पफुल। डायोरेटिक्स आर ड्रग्स विच एनहांसेज द एक्सक्रीशन ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर बाई द किडनी, ये एब्जॉर्प्शन को कम करती है। अलग अलग तरह के डायोरेटिक होते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, और वो सारे आपके यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाते हैं। देन वाजोडायलेटर ड्रग्स आर यूज्ड टू डिक्रीज दी पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसमें प्रेशर ओवरलोड की समस्या है, हाइपरटेंशन जिनमें है, उनमें आपको हाइपोटेंसिव ड्रग्स देनी पड़ेंगी, वाजोडायलेटर देने पड़ेंगे। एस इनिबिटर्स उनमें से एक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी यूज कर सकते हैं। हम ये सारी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, उसका मतलब ही यही है कि कहां कहां हम इंटरवीन करके सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड को बनने से रोक लो, या तो बन गई तो उसको एक्शन होने से रोक लो, रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर दो आप, तो बन भी गई तो भी काम नहीं कर पाएगी। सो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कैन बी यूज्ड एज दी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंड ऑफकोर्स द ट्रीटमेंट फॉर द प्राइमरी कॉज, जो भी अगर कारण जिसकी वजह से यह सब हो रहा है वो अगर ट्रीटेबल है तो हम ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप ये डायग्राम इसको छोड़ दें,